हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम मसाले में आलू बोदी की सब्जी। ये बहुत झटपट बन जाता है दोस्तों, और बनाना बहुत आसान है और बहुत ज्यादा टेस्टी भी बनता है। और इसे कई नामों से जाना जाता है, बरबट्टी, लॉन्ग बीन्स, लोबिया। आप क्या है, इसे क्या बोला जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। ये है बोदी, इसे अच्छे से काट कर धोकर फ्रेश कर लिए हैं। थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज में काट लिए हैं इसे, और ये बहुत सॉफ्ट था तो इसमें रेशा नहीं है। अगर रेशा वाला बोदी हो तो इस तरह से तोड़कर बीच से इस तरह से निकालिएगा, तो इस तरह का एक लंबा लंबा सा रेशा निकलता है। तो अगर थोड़ा कड़ा बोदी है तो उसमें से रेशा निकाल लीजिएगा। और ये है दो आलू, इसका छिलका हटाकर थोड़ा सा मोटा और इस तरह से शेप में काट लिए हैं। आप आलू और बोदी अपने पसंद से किसी भी शेप या साइज में काट सकते हैं। इस तरह से काट लेने से थोड़ा सा लंबा लंबा में और इस तरह का शेप आलू काट लेने से सब्जी देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने से पहले लहसुन कूट लेंगे। लहसुन कूट कर ही आप सब्जी बनाएंगे। 1 चम्मच लहसुन लेंगे। लहसुन बहुत छोटे छोटे साइज का है इसलिए चम्मच से ले लिए हैं। अगर लहसुन आपके पास बड़े साइज का है तो आप 7-8 कली लहसुन ले लीजिएगा। इस सब्जी में लहसुन थोड़ा सा ज्यादा डलता है। लहसुन कूट लेते हैं, एकदम बारीक लहसुन कूट लिए हैं। आप कूटा हुआ लहसुन के जगह पे लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे सब्जी में कलर बहुत सुंदर आएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। 1/2 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मसाला बनके तैयार है। एक मोटे तले का कोई भी कढ़ाई लेंगे या नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच सरसों तेल और फ्लेम मीडियम रखेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पीला सरसों, इसके जगह पे आप काला सरसों भी ले सकते हैं। 1 लाल मिर्च और थोड़ा सा 2-3 पिंच हींग। लोबिया से थोड़ा गैस बनता है तो इसमें थोड़ा सा हींग डाल लीजिएगा। अब इसे भून लेंगे, सरसों चटकने देंगे, उसके बाद इसमें सब्जी डालेंगे। सरसों चटकने लगा है, अब इसमें डाल देंगे ये पहले आलू। अब इसे थोड़ी देर भूनेंगे, हल्का सा एक लेयर आने तक। इस तरह से आलू भून लेने से आलू का टेस्ट भी बढ़ जाता है और आलू थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है। 1.5 मिनट भूनने के बाद आलू में हल्का हल्का सा गोल्डन लेयर आ गया है। अब इसमें डालेंगे ये तोड़ा हुआ बोदी। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा सा कम कर लेंगे। सब्जी सूखा बना रहे हैं तो बहुत तेज आंच में बनाने से ये अच्छे से नहीं पकेगा। सब्जी बिना ढके ही बीच बीच में चलाते हुए 4-5 मिनट भून लेंगे। बहुत टेस्टी सब्जी बनता है दोस्तों, आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा। ये बच्चों को लंच में देने में बहुत आसान होता है, सूखी सब्जी है और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा ये टेस्टी सा और एकदम आसान सा रेसिपी कैसा लगा। 4-5 मिनट भूनने के बाद आलू और बोदी अच्छे से भून गया है। अब इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ मसाला। बहुत कम तेल और बहुत कम मसाले में बहुत टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो रहा है दोस्तों, और टाइम भी बहुत कम लगता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार इस तरीके से बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ये इतना टेस्टी बनता है कि मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद कीजिएगा। अब फ्लेम लो कर देंगे और इसे ढक देंगे और बीच बीच में चलाते हुए आलू और बोदी सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, लगभग 10 मिनट पकने के बाद आलू और बोदी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब गैस ऑफ कर देंगे और सब्जी हमारा बनके तैयार है। अब आप इसे रोटी, पूड़ी या पराठे के साथ सर्व कीजिए।